हेलो एंड वेलकम टू होम रसोई फ्लेवर्स। मैं हूँ दिव्या और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दाल मखनी की रेसिपी। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको मेरी हर रेसिपी का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए तो हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने लिया है 1 कप साबुत उड़द दाल, जिसको 3 घंटे के लिए भिगो के रखा था। अब हम इसमें ऐड करेंगे किडनी बीन्स यानी कि राजमा 1/4 कप, जिसको 3 घंटे के लिए सोक करके हमने रखा था। इसमें हम 3 कप पानी ऐड करेंगे और 1/4 टीस्पून नमक। इन सबको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसको प्रेशर कुकर में 4 से 5 सीटी के लिए पकाएंगे मीडियम हीट पर। अब हम बटर लेंगे एक पैन में 2 से 3 टेबलस्पून, क्योंकि ये दाल मखनी है तो इसमें हम मक्खन थोड़ा ज़्यादा यूज़ करेंगे। इसमें हम 2 फाइनली चॉप्ड अनियंस यानी कि प्याज डालेंगे, एकदम बारीक कटी हुई। इसको हम थोड़ा सा पका लेंगे। इसमें हम ऐड करेंगे 1 से 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। इसको हम थोड़ा पका लेंगे। एक से दो हरी मिर्च कटी हुई। अब हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक ये प्याज अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती। तो हमारी प्याज एकदम अच्छी तरह से पक जानी चाहिए और गोल्डन ब्राउन हो जानी चाहिए, देखिए इस तरह से। अब हम इसमें टमाटर की प्यूरी डालेंगे। ये 2 टमाटर की प्यूरी है, ये 2 बड़े टमाटर लिए थे मैंने और इसको हम इसमें डाल देते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक एज पर टेस्ट यानी कि स्वाद अनुसार और धनिया पाउडर 1/2 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून और इसको अब हम 10 मिनट के लिए पकाएंगे जब तक कि इसमें से सारा पानी इवेपोरेट नहीं हो जाता, उड़ नहीं जाता। 10 मिनट के लिए पकाएंगे जब तक कि इसमें से सारा पानी इवेपोरेट नहीं हो जाता, उड़ नहीं जाता। देखिए इसका सारा पानी उड़ चुका है और इसमें से बटर भी नजर आने लगा है थोड़ा। इस टाइम पे हम इसमें पकी हुई उड़द दाल और राजमा को मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें 1 से 2 कप पानी डालेंगे। आप कंसिस्टेंसी अपने हिसाब से रख सकते हैं। अगर आपको गाढ़ी दाल पसंद है तो आप दाल को थोड़ी गाढ़ी रखिए, वरना आप पानी अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। और पानी ऐड कर रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ी सी कंसिस्टेंसी पतली चाहिए है इस दाल की। अब हम इसमें 1/2 चम्मच जीरा पाउडर डालेंगे, 1/2 चम्मच गरम मसाला और इन सबको हम अच्छी तरह से दाल में मिक्स कर लेंगे। ये दाल फुल ऑफ प्रोटीन है, इसमें ज़्यादा मसाले नहीं जाते हैं पर ये फिर भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। अब हम इसमें हरी धनिया ऐड कर देंगे। हरी धनिया से इसमें बहुत ही अच्छा एक फ्लेवर आ जाएगा। इसमें हम 1/2 कप क्रीम डालेंगे, क्योंकि ये दाल मखनी है तो इसमें क्रीम बटर थोड़ा ज़्यादा ही रहता है। आप अपने हिसाब से थोड़ा बहुत कम ज़्यादा कर सकते हैं अगर आपको बटर और क्रीम ज़्यादा नहीं खानी है तो। और अब हम इसको कवर करके 8 से 10 मिनट के लिए लो हीट पे पकाएंगे। ये जितनी ज़्यादा पकेगी उतनी ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। अब हम तड़का रेडी करते हैं तो 1 टेबलस्पून बटर ले लेंगे, उसमें हम 1/2 चम्मच लाल मिर्च डालेंगे
ये कश्मीरी लाल मिर्च ली है मैंने सिर्फ कलर के लिए, और इस तड़के को हम दाल में डाल देंगे। इसको थोड़ा मिक्स कर लेंगे। इस तड़के से हमारी दाल का टेस्ट एकदम ही चेंज हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हो जाएगी ये दाल। अब इसको हम 5 मिनट के लिए वापस से लो हीट पे पका लेते हैं। इस पे हम धनिया पत्ती डाल लेते हैं थोड़ी सी ऊपर से। तो फ्रेंड्स, हमारी दाल मखनी रेडी है। आप इसे नान, राइस, रोटी या पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और रेसिपी को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फॉर मोर टेस्टी एंड ईजी रेसिपीज़। हम फिर मिलेंगे एक और यम्मी डिश के साथ। टिल देन, हैप्पी कुकिंग। बाय बाय।